ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई ना कोई दुख ना हो संसार में। हर किसी के घर में कोई ना कोई दुख होता। कौन है जो सब सुखी हो इस संसार में? कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, हर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया में लाखों गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया से निकलो, हजारों गम है इस संसार में, कहीं सुख नहीं है मेरे भाई, ढूंढ लेना सारी दुनिया में, आंसू ही आंसू है, दो चार मुश्किल से हंसते होंगे। मैं बड़े गर्व से कहता था कि मैं कभी नहीं रोया, कल तो इतना रोया जितना कभी नहीं रोया। गम हर किसी के जीवन में आ जाते हैं, ध्यान रखना, हजारों गम है इस धरती पर, सुख भी है दुख भी है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है दस रोते, दो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू है हजारों आंखों में, दो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू है हजारों आंखों में। हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते, एक हंसता है दस रोते, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, कुछ बोल प्रभु ये क्या माया, तेरा खेल समझ में ना आया। हमने देखे महल और कुटीर देखी, एक हंसता है दस रोते हैं। हमने गिन गिन कर तकदीर देखी, एक हंसता है दस रोते, कितने रोते हैं ध्यान रखिए, दो एक सुखी यहां लाखों में, आंसू हैं हजारों आंखों में। संसार है ये। पहुंचा संत के पास, जल्दी समाप्त करना है, संत के पास पहुंचा, संत जी ध्यान में बैठे थे, चुपचाप जाकर के बैठ गया, डिस्टर्ब नहीं किया, ध्यान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, श्रावक का फर्ज है, चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ, मौन से जाके प्रणाम किया, बैठ गया चुपचाप। संत का ध्यान खुला, आंखें खुली, पहली नजर उस पर पड़ी, उसने कहा बोल बच्चे कहां से आए हो? बोले संत जी बड़े दूर से आया हूं, दो दिन हो गए मुझे यात्रा करते हुए, एक प्रश्न लेकर आया हूं। संत ने कहा प्रश्न? बोले हाँ, मेरी मां ने कहा है आप बहुत पहुंचे हुए ऊंचे संत हैं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। संत ने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, अब देखना जिंदगी कैसे खूबसूरत मोड़ पे करवट लेती है। संत ने कहा मैं प्रश्न के उत्तर देता हूं, समाधान भी देता हूं, लेकिन बेटा मेरी मजबूरी है कि मैं एक दिन में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दिया करता हूं। प्रश्न कितने हैं? कितने हैं प्रश्न? 4। उत्तर कितने का मिलेगा? मैं 3 प्रश्न का उत्तर देता हूं, 3 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दिया करता हूं। बड़ी दुविधा में पड़ गया, इतनी दुविधा है कि अब मैं 4 में से छोड़ू तो किसका प्रश्न छोड़ू?
माँ का छोड़ो, अरे उसने तो मुझे भेजा है, उसका प्रश्न कैसे छोड़ सकता हूं। चलो सेठानी का प्रश्न छोड़ देता हूं। फिर दिमाग में आया, अरे एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, उसका प्रश्न मैं कैसे छोड़ दूं। तो बोले एक काम करो, उस पानी पिलाने वाले संत का प्रश्न छोड़ देते हैं। फिर उस बच्चे के दिमाग में आया, अरे वो बड़ा पारमार्थिक प्रश्न है, वो कौन सा स्वार्थ की बातें पूछ रहा है, निज कल्याण की बातें पूछ रहा है, उसका प्रश्न कैसे छोड़ दूं। फिर दिमाग में आया चौथा प्रश्न जो किसान का था, वो मुझे छोड़ देना। फिर उसके भीतर की आत्मा से आवाज आई कि एक बात याद रखना, दुनिया की कोई सबसे बड़ी ताकत धरती पर होती है, जय जवान और जय किसान दुनिया की सबसे बड़ी। यदि मैंने किसान का प्रश्न छोड़ दिया, पूरा देश भूखा मर जाएगा, खेत जोतता फसल उगाता तब सबको भोजन मिल, किसान नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या, ध्यान, अन्नदाता है किसान, सारे जगत का पेट भरता है। अफसोस है मुझे कि जो सारे जगत का पेट भरता है आज उसी के बच्चे भूखे मरते हैं, ध्यान रखिए। सारी दुनिया को भोजन देता है किसान, पसीना बहाता है, खेतों में हल चलाता है, फसल उगाता है, तब हमारी थाली में रोटियां आती हैं, ध्यान रखना। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय जवान की भी बड़ी कीमत है मान्यवर। जब हम रात को गहरी नींद सोते हैं ना, ये मत सोचना कि एसी पंखा कूलर की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, डनलप के गद्दे की वजह से चैन की नींद सोते हैं। अरे सीमा पर मेरा जवान रात रात जगता है, तब हिंदुस्तान चैन की नींद सोया करता। रात रात जगते हैं वो बर्फीली घाटियों पर, विचार करिए तब जाके हमें चैन की नींद आती है, ध्यान रखना मान्यवर। मैं तो कहता हूं इस देश में सैनिकों का जबरदस्त सम्मान होना चाहिए, यदि सैनिक ना होंगे तो हिंदुस्तान चैन की नींद सोने वाला। आज चैन से बैठ के यहां प्रवचन सुन रहे हो, ये मत सोचो कि हमारे दान से प्रवचन चल रहा है, हमारी व्यवस्थाओं से आज यहां बैठकर प्रवचन सुन रहे हो, तो सबसे बड़ा धन्यवाद और सबसे बड़ा आशीर्वाद देश के जवानों को जाना चाहिए जो हमारी सुरक्षा में वहां पर खड़े हुए हैं, ध्यान रखिए। हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उड़ पाता है, वो जाके सेना सीमा पे खड़ी हो जाया करती है, ध्यान रखिए। क्या नहीं करते वो हमारे लिए, बोलिए। आज भी पाकिस्तान में ऐसे सैनिक हैं जिनकी पत्नियां आज यहां पर उनका इंतजार कर रही हैं। अरे मेहंदी का लाल रंग तो लाल है, बाल का रंग सफेद हो गया है इंतजार करते करते, ध्यान रखिए। सेना ने बहुत कुछ किया है मान्यवर, मुझे समझ नहीं आता इस देश में क्रिकेट के बल्ले से मैच जीत जाओ करोड़ों रुपया इनाम दिया जाता है, बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, सरकार उन्हें करोड़ों रुपए दे दिया करती है। अरे मेरे भाई, क्रिकेट के बल्लों से देश नहीं जीते जाते हैं, छाती पर जो गोलियां खाने की ताकत रखता है वो देशों पर राज किया करता है, ध्यान रखिए। आज क्या मिलता है एक सैनिक की विधवा स्त्री को, एक सम्मान, दो मिनट का बस, उसके बच्चे। मान्यवर मैं ये चाहता हूं कि यदि कोई सैनिक जवान यदि शहीद हो गया है तो सबसे पहले सरकार को उसकी सहायता उसकी हेल्प करना चाहिए और उस बच्चे को सरकारी नौकरियां सबसे पहले प्रदान करना चाहिए। मान्यवर आरक्षण में उलझ रहा है देश, शहीदों के बारे में कुछ नहीं सोचोगे। दो शब्द रख दिए, श्रद्धांजलि अर्पित कर दी, हो गया काम खत्म, ध्यान रखिए। एक मैच खेलने वालों को करोड़ों रुपए, उनको कितना, 10 लाख 5 लाख, इससे ज्यादा तो कोई देता नहीं है ना उनको, कितना देगा भाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं देश के शहीदों के लिए कुछ करिए अपने जीवन में, मान्यवर निवेदन है मेरा आपसे। आज उनकी बदौलत हम संत दिगंबर होके इस अरब की जनसंख्या में घूम रहे हैं स्वतंत्र होकर के। कौन कर रहा हमारी सुरक्षा, कौन कर रहा आपकी सुरक्षा, सीमा पे खड़े हुए जवान कर रहे हैं। आज सरदार जी ने बताया आतंकवादियों से निपटते हैं, गोलियां खाते हैं, तब हमारे यहाँ भगवान की आरती हुआ करती है मेरे भाई, तब गणेश उत्सव हुआ करता है, तब पर्युषण पर्व हुआ करता है, ध्यान रखिए। क्या जिंदगी होती है इन लोगों की, सब कुछ अर्पित करते हैं मान्यवर। किसान बहुत बड़ी ताकत है,
किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। किसान जो सबको भोजन दे रहा है वो कर्जदार होकर मर रहा है, वो फांसियां लगा रहा है, क्या 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 देश विकास करेगा भाई? सोचना है आपको। ये दो लोग किसी भी मुल्क की बहुत बड़ी ताकत होते हैं मेरे भाई। आपसे निवेदन, बात मेरी दूसरी है लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है। उस बच्चे ने सोचा किसका प्रश्न छोड़ दूं मैं, असमंजस में पड़ गया। पूछने आया था मां के प्रश्न, पूछने आया था उत्तर, सोच में पड़ गया कि मैं किसका छोड़ूं, मां का कैसे छोड़ दूं। आपके सामने परिस्थिति होती तो आप क्या करते मेरे भाई? ध्यान रखिए कि चार में से केवल तीन प्रश्न चुनना है आपको, एक का तो छोड़ना ही पड़ेगा। संत को उसने प्रणाम किया, लौट कर आया, और जैसे ही लौट कर आने लगा क्या देखता है, किसान पड़ा। किसान ने कहा, ओ भाई इधर आओ। उत्तर दिया संत ने, क्या बोले, क्या उत्तर लेकर आए हो तुम, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। उसने कहा, हां उत्तर दिया है। बोले, क्या उत्तर दिया है? बोले, तुम्हारे खेत में जो वृक्ष हैं वो इसलिए नहीं पनप पाते, इसलिए उनमें फल नहीं आते हैं, इसलिए फसल नहीं आती है, उन वृक्ष की जड़ों में बड़े बड़े धन के घड़े गड़े हुए हैं। पैसा? बोले हां। किसान ने कहा, पैसा गड़ा है मेरे खेत में? हां। बोले, जड़ें जाकर के उन घड़ों से टकराती है, पेड़ का विकास नहीं हो पाता। बोले, खुदाई की जाए। खुदाई की, बच्चा खड़ा है, जैसे ही खुदाई की, सोने की असरफियों से भरे हुए घड़े निकले। किसान ने कहा, मैं कंगाल बना घूमता रहा, घड़े मेरे यहां गड़े हुए हैं। सारे घड़े उसने निकलवाए, बैलगाड़ी मंगाई, सारे घड़े बैलगाड़ी में रखे और उस बच्चे से कहा, ये घड़ा मैं तुझे उपहार में देता हूं। उसने कहा, किसान भाई ये मेरे नहीं है, ये मेरी मां ने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, ये मेरे घड़े नहीं, ये तुम्हारे खेत में निकले हैं, ये तुम्हारे हैं। किसान ने कहा, मुझे रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, ये तो आज है कल चली जाएगी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे यहां दौलत है, लेकिन मेरी असली दौलत यदि कोई है तो मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मुझे फसल चाहिए, आज तेरी वजह से मेरे यहां फसल होगी। उसने बहुत मना किया, घड़े दे दिए, घड़े लेकर के चला। कौन मिला बोलो? साधु मिला। उस साधु ने देखा कि ये लड़का गया तो पैदल था, लौट के बैलगाड़ी में चला आ रहा है। साधु ने कहा, रुक भाई, एक बात बता मेरे प्रश्न का उत्तर। बच्चा सोच रहा था मैं किसका छोड़ता, लेकिन बच्चे को एक प्रश्न तो छोड़ना पड़ा। संत ने कहा कि मेरे बताओ, 25 साल की साधना, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? उस बच्चे ने कहा कि संत ने कहा है, महायोगी ने कहा है कि तुम्हारी जटाओं में एक नागमणि रखी हुई है, और जब तक उस मणि पे तुम्हारा ध्यान रहेगा, जब तक पैसों पर तुम्हारा ध्यान रहेगा, तब तक परमात्मा मिलने वाला नहीं है। उसने कहा, नागमणि? उसने जटा खोली, मणि तो छिपा रखी थी, उसने मणि निकाली और बच्चे से कहा, बेटा तूने मुझे ज्ञान दिया है, हम साधु संतों को इसको क्या लेना देना, ये मणि मैं तुझे उपहार में प्रदान करता हूं। मणि मिल गई, घड़े मिल गए। आया सेठानी के पास, सेठानी ने कहा, और बेटा मेरे यहां रात बिताई थी, बता बच्चे मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आया है या नहीं आया? उसने कहा, मां लाया हूं। बोले, क्या उत्तर लाया है? मेरी बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, उसका विवाह होगा या नहीं होगा? उसने कहा, महायोगी ने कहा है, तेरी बेटी जिस लड़के को देख के बोल पड़े वही उसका पति होगा, उससे उसका विवाह होगा। कहते हैं बेटी अंदर से आई और जैसे ही लड़के पर नजर पड़ी उसके मुंह से निकला मां। पहली बार उस मां ने मां शब्द सुना। उस सेठानी ने कहा, बेटा अब तुम बैठो। समझ गए? बोले, मतलब क्या है?
बोले बस हो गया, उत्तर हमको मिल गया। बोले क्या उत्तर है? बोले तूने कहा ना जिसे देखकर बोले वही उसका पति होगा, अब बेटा अब मेरी बेटी से तुझे विवाह है, मैं बहुत सा दहेज दूंगी रुपया पे। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले संत की आज्ञा तो मानना ही पड़ेगी। और मेरी कहानी कहती है उस सेठानी ने उस बच्चे से अपनी बेटी का विवाह कर दी। बेटी का विवाह लौट करके कहां पहुंच रहा है? मां के पास। आप समझ गए होंगे ना उसने किसका प्रश्न छोड़ा। ध्यान रखिए, ना सेठानी का छोड़ा, ना संत का छोड़ा, ना किसान का छोड़ा, उसने अपनी मां का प्रश्न छोड़ दिया। अरे मां का प्रश्न तो ठीक है उसने भेजा हो, एक बात याद रखना, जो औरों के लिए जीता है उसे दुनिया की सारी संपदा अपने आप प्राप्त हो जाया करती है। उसने कहा मेरी मां का प्रश्न जरूरी नहीं। जैसे ही घर लौटा, एक झोपड़े में रहती थी मां, गांव में दूर एक तरफ बैलगाड़ी जाकर के रुकी। मां ने कहा कौन आया इस गरीब के घर में, लड़का भी ऐसा कि दूल्हा बनाओ दुल्हन साथ में। विचार करिए चटमंगनी पट, झट तलाक मत कराना, ध्यान रखिए। लेकर के उतरा, मां सोची कि गांव में किसी की बारात लौट रही है। दरवाजे से बाहर आई, जाके बेटे ने देखा और मुस्कुराया। सजा धजा बेटा पहले तो फटे पुराने कपड़े पहन के गया था। मां ने कहा बेटा तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो? उसने कहा मां मैं एक योगी के पास से आ रहा हूं। उसने कहा बेटा मेरा बेटा भी वहीं गया है, रास्ते में मिला होगा एक गरीब बेटा। उसने कहा मां वो गरीब बेटा कोई और नहीं, मैं हूं तेरा बेटा। ये क्या लेकर के आया है, चोरी की है, डाका डाला है, मैं तेरी मां नहीं हूं। उसने कहा नहीं मां ये तेरी बहू है, रास्ते में शादी। बोले मां मैं तेरे प्रश्न लेकर गया था संत के पास। क्या उत्तर दिया संत ने, ये बातें बाद में करना, पहले ये बता उत्तर क्या दिया। बोले उत्तर कुछ नहीं दिया मां, मैं उत्तर लेकर नहीं समस्या का समाधान साथ में लेकर के आया हूं। बोले क्या लाया मेरे बच्चे? बोले लाया हूं मां। उस संत ने कहा कि एक प्रश्न, तीन प्रश्न पूछना, प्रश्न मेरे पास चार थे। मां मैंने तेरा प्रश्न छोड़ दिया। मेरा प्रश्न क्यों छोड़ा? बोले मां यदि तेरा प्रश्न छोड़ता नहीं तो इतना बड़ा उत्तर अपने साथ लेकर के नहीं आता। देख मां ये सोने के घड़े, देख मां ये नागमणि, और देख मां तेरे घर की गृह लक्ष्मी लेकर के आया हूं। उस मां की आंखों से आंसू छलछला गए, बच्चा कदमों में गिरा उसने लिया, अजान बाहुओं में बच्चे को भर लिया और उसने कहा ये गरीब मां अपनी औलाद को धन दौलत दे पाई या ना दे पाई, संस्कारों की पूंजी दे करके गई, उसका ये फल है कि मेरे बच्चे ने अपना निजी स्वार्थ छोड़ा। ध्यान रखिए कभी स्वार्थ को छोड़ करके जिंदगी जिया करो। अरे अपने लिए तो बहुत जिए, कभी औरों के लिए भी जिया करो, जिंदगी तुम्हारी सार्थक और सफल हो जाएगी। ध्यान रखना दूसरों के लिए कुछ करो, अपने लिए तो सब करते हैं। इन हाथों को मददगार हाथ बनाओ। अभी मुझे बताया कि बेटी जानवी ने कहा 1,00,000 लोगों को आंखें दिलाऊंगी। मान्यवर ये बेटी नहीं बोल रही है, उनके परिवार के संस्कार बोल रहे हैं। ध्यान रखना, विचार करना आप, दो काम जीवन में जरूर करो, कुछ करो या ना करो, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं हो या ना हो, बड़े बड़ा सत्संग कर सको या ना कर सको, आज ज्ञान गंगा के समापन पर दो काम आप जरूर, दो काम बस मैं निवेदन कर रहा हूं। एक काम तो ये कि जीते जी रक्तदान करो, मरने पे नेत्रदान करो। ध्यान रखिए।